दोस्तों आज के स्टूडियो में आपको मैं बताने वाला एक धासु एप्लीकेशन के बारे में, जिसके अंदर आप काफ़ी सारे इफेक्ट्स ऐड कर सकते हैं, मनचाहे इफेक्ट्स इसके अंदर डाल सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर समय निकाल रहे वीडियो स्टार्ट करना चाहेंगे। मैं हूँ जतिन पटेल और आप देख रहे हैं ऑनलाइन ट्रिक्स एंड ऑफर्स। तो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमारे एप्लीकेशन का नाम है पार्टी फोटो इफेक्ट्स, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहाँ से डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कुछ परमिशन देनी पड़ेगी, तो आप यहाँ से पहले परमिशन अलाउ कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। तो आपको यहाँ से कोई भी अपनी गैलरी में से कोई भी फ़ोटो चूज़ करना है। मैं यहाँ से कोई भी एक फ़ोटो चूज़ कर लेता हूँ। मैंने यहाँ से एक फ़ोटो सिलेक्ट कर ली है। ओके बटन पर क्लिक करूँगा और यहाँ से उसको क्रॉप कर लूँगा। सेम उसी तरह से यहाँ से मुझे क्रॉप करना है, तो उसको मैं फ्लिप भी कर सकता हूँ यहाँ से। तो सिंपल इसको क्रॉप कर लेता हूँ पहले और यहाँ पे क्रॉप पे क्लिक कर दूँगा। तो उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे इफ़ेक्ट्स यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पे कोई भी इफ़ेक्ट्स मैं यहाँ पे सेट कर सकता हूँ, पार्टी इफेक्ट आराम से डाल सकता हूँ, जो मुझे पसंद आए वो इफ़ेक्ट्स यहाँ से मैं सेट कर सकता हूँ। मनचाहे इफ़ेक्ट्स यहाँ से लगा सकते हैं आप दोस्तों। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक से एक बढ़कर इफ़ेक्ट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे डन बटन पे क्लिक करना है और कुछ सेकंड्स यहाँ पे आपको वेट करना है। सेकंड्स ख़त्म होने के बाद यहाँ पे आपको एक सेव का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से आपको इमेज को सेव करना है, तो यहाँ से आप डायरेक्टली उसको फ़ोटो को डायरेक्टली फेसबुक या फिर व्हाट्सएप पे या फिर अपने इंस्टाग्राम पेज पे डाल सकते हैं या फिर अपने मोबाइल के अंदर गैलरी के अंदर सेव कर सकते हैं। इस तरीके से आप यहाँ से अपने फ़ोटो को पार्टी इफेक्ट्स दे सकते हैं। लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है और यहाँ पे लास्ट में जो टैब बना हुआ है वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं क्लिक करके। तो दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।